आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। दिसंबर 2023 के एग्जाम में ये आखिरी बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। कंसाइनमेंट अकाउंट्स में कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा है, अकाउंटिंग में उतना बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। कैलकुलेशन में जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है तो उस समय पे वो आईपी पे गुड्स भेज रहा है, हालांकि कंसाइनर ने खुद जो इनकर किया वो कॉस्ट है। और कॉस्ट और आईपी इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं लोडिंग। अगर लोडिंग का परसेंटेज कॉस्ट पर दिया गया है और आपको आईपी कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट प्लस लोडिंग परसेंटेज इज इक्वल टू आईपी। अगर लोडिंग का परसेंटेज आईपी पे दिया गया है और आपको कॉस्ट की वैल्यू दी गई है तो कॉस्ट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट ऑफ लोडिंग इनटू 100 विल बी आईपी। अगर लोडिंग आईपी पे दी गई है और आपको आईपी की ही वैल्यू दी गई है तो आईपी माइनस लोडिंग परसेंटेज कॉस्ट। आपको आईपी दी गई है और सॉरी लोडिंग आईपी पर दिया गया है और वैल्यू कॉस्ट की दी गई है, देन आईपी डिवाइड बाय 100 प्लस लोडिंग रेट इनटू 100 इज इक्वल टू कॉस्ट। जब कंसाइनी को गुड्स मिल रहे हैं तो कंसाइनी उन गुड्स को बेचने वाला है। कंसाइनर ने भेजते समय कुछ खर्च किया, कंसाइनी ने लेते समय कुछ खर्च किया। कंसाइनर द्वारा किए गए सारे खर्च नॉन रिकरिंग, कंसाइनी द्वारा किए गए खर्च लोडिंग अनलोडिंग कार्टेज फ्रेट ट्रांसपोर्ट ये नॉन रिकरिंग। सैलरीज रेंट वेयरहाउस इंश्योरेंस सेलिंग एक्सपेंसेस ये सारे के सारे रिकरिंग।